और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या को कई विश्व स्तरीय सुविधाओं का उपहार देंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इससे जुड़ी सभी जानकारियों का तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रामलला के दर्शन किए, राम मंदिर निर्माण का भी निरीक्षण किया और हवाई अड्डे और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। अयोध्या धाम में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी रामनगरी में एक अलग ही रौनक, अलग ही उल्लास देखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या को कई विश्व स्तरीय सुविधाओं का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इन विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने खुद अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने रामलला के दर्शन किए, उन्होंने वहां पूजा भी की। इससे पहले सीएम ने हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी ने उस हवाई अड्डे और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया, जिनका शुभारंभ पीएम शनिवार को करेंगे। योगी आदित्यनाथ पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। पीएम द्वारा नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। राम जन्मभूमि के मंदिर के तर्ज पर ही रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है और जो मुसाफिर हैं वो इसकी चकाचौंध देकर बेहद उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या हवाई अड्डा परिसर का भी अवलोकन किया। सीएम ने 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उपलब्ध सुविधाओं की भी समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने उस जनसभा स्थल का भी मुआयना किया जहां शनिवार को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। सीएम ने वहां सेल्फी भी ली। शनिवार को जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे तो वहां उनका भव्य स्वागत होगा। इसके लिए भी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके पीछे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नायक के तौर पर अयोध्या में आ रहे हैं और अयोध्यावासी उनको एक नायक के तौर पर देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही प्रधानमंत्री की अगवानी पर अयोध्यावासी उत्सुक हैं उनके स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे अयोध्या में जबरदस्त उत्साह है। यहाँ के संत भी पीएम के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। अवधपुरी आवत प्रभु जानी तो भाई सकल शोभा की खानी। प्रधानमंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं, इस धरती पर आ रहे हैं, अवध भूमि पर आ रहे हैं, तो अयोध्या की भूमि उनकी स्वागत के लिए दिल खोल करके तैयार है और हम जितने संत समाज हैं, जितने भक्त समाज हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं। उत्साह और उल्लास के इस माहौल में अयोध्या के लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की बहुत सी बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण देखना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बहुत दिन से हम लोग आशा लगाए रहे कि हम लोग का बिगड़ा देखा गया है सब चीज और बनत भी देखक मिल जाए तो हम लोग का बहुत धन्यवाद होए। रामचंद्र जी का वो होगा दीप उत्सव तो उसमें खुशी, बहुत सारी खुशी होगी, सबको खुशी।